नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक नए प्लेट के साथ चलिए देखेंगे आज दो प्लेट को और जानेंगे कि कलर ब्लाइंड क्या देखता है और नॉर्मल आदमी क्या देखता है। मैं नॉर्मल हूँ तो मुझे तो ये 5 दिख रहा है और मुझे ये 3 दिख रहा है, पर आप में से काफ़ी लोगों को ये 2 दिख रहा होगा और ये 5 दिख रहा होगा, राइट। अब इसका कारण क्या है, जो मैंने पिछले प्लेट्स में भी आपको बताया था कि कलर को इस हिसाब से कॉम्बाइन किया गया है यहाँ पे इस इशिहारा प्लेट में। नॉट ओनली ये, बल्कि सब इशिहारा प्लेट में कलर को इस हिसाब से यूज़ किया गया है कि अगर आपके आँख में कौन सेल्स कम हैं, अगर आपके आँख में सेल्स की क्राइसिस है, तो आप एज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने ऑप्टिमम सेल की आवश्यकता है इस पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उतने ऑप्टिमम सेल आपकी आँख में नहीं है। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझिए कि आपके घर, मान लीजिए उस घर का साइज 100 स्क्वायर फीट है, आप किसी 5 गेस्ट को घर में बुलाए, आप आराम से खिलाए पिलाए उनको भेज दिए, थोड़े देर बाद आपने फिर किसी 5 जन को बुलाया, खिलाए पिलाए भेज दिया, आपने एक बार में एक साथ 20-25 लोगों को बुला लेंगे तो आपका घर उतने लोगों को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो रियल लाइफ में जब हम कलर्स देखते हैं तो हमारे आँख के साथ सामने एक साथ मल्टीपल शेड्स ऑफ कलर इतना बॉम्बार्डेड नहीं रहता है, लेकिन जब हम इस बुक को देख रहे होते हैं तभी हमको कलर देखने में दिक्कत आती है, पर रियल लाइफ में नहीं आती। ये काफ़ी लोगों की ये क्वेरी है, तो उसका एक कारण क्या होता है, रियल लाइफ में इतने कलर्स एक साथ एक्सपोज नहीं होते, वेर एज इस बुक में क्या होता है, एक साथ काफ़ी सारे मल्टीपल सेल्स की यूज़ करना पड़ता है आपको उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और अगर आपके आँख में सेल्स कम हैं तो आप एक लिमिटेशन में आ जाते हैं और आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये जिनको भी 2 दिखाई देता है वो कलर डिफेक्टिव है, और जिनको भी ये 5 दिखाई देता है वो सब कलर डिफेक्टिव है। फिर मिलेंगे किसी और प्लेट के साथ। नमस्कार।